हेलो माय लवली स्टूडेंट, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। एज यू नो, हम लोग चैप्टर 14 का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। इससे पहले आप पार्ट 1 की वीडियो देख चुके होंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, बिकॉज वहां पे हमने इंट्रोडक्शन बिगिन किया था एंड उसके आगे अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सो लेट्स गेट टू दी वीडियो। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब सेंट्रल टेंडेंसी के कुछ मेजर्स होते हैं, जैसे कि मीन है, मीडियन है, मोड है। ये तीनों क्या होते हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली किस लिए यूज होते हैं, डेटा में से कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। सो जी, पहली चीज है हमारे पास मीन। मीन क्या होता है, द मीन इज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली डेटा का एक एवरेज निकालना। जैसे सिंपल सा अगेन एग्जांपल लेते हैं, बच्चों के क्लास मार्क है, तो जब हम उसका मीन निकाल रहे हैं तो बेसिकली हमें एक आइडिया हो जाएगा कि ये एवरेज है, इस एवरेज के ज्यादातर बच्चों के इसके आसपास मार्क्स हैं। ठीक है जी, अब निकालते कैसे, सिंपल, अगर आपके पास रॉ डेटा दे रखा है तो जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उसको प्लस करके अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बुक का एग्जाम्पल है ये। Five people were asked about the time in a week they spend in doing social work in their community. They said 10, 7, 13, 20 and 15 hours respectively. अब अगर मुझे इस डेटा का मीन निकालना है, सो मीन इक्वल होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन मे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है जी, सो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, 10 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 15। एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, तो अपॉन में 5 आ गया। अब इसको प्लस कर लेते हैं, 7 प्लस 3 10, 15 हो गया। देन 1 कैरी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये आ गया जी 65 अपॉन 5, कैंसिल हो जाएगा। 5 वन जा 5, 5 थ्री जा 15, so ये हमारे पास आ गया मीन इसका 30। ठीक है, इस तरह से मीन निकालते हैं। अब मीन में ही जब हमारे पास ग्रुप डेटा होता है, मतलब विदाउट क्लास इंटरवल, इस तरह से फ्रीक्वेंसी उसमें होता है, तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहली चीज, ये फॉर्मूला दे रखा है समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई। समीशन बेसिकली मीन्स, ये जो यहाँ पे आप सिंबल देख रहे हो, ये बेसिकली सम होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे इसका ऑलरेडी सम हो रखा है 20, सो ये सॉरी 200, तो ये 200 क्या है, दिस इज समीशन एफ आई। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का समीशन। अब ऊपर क्या है, समीशन एफ आई एक्स आई, दैट मीन्स एफ आई एक्स आई, ये हमें यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा 4 2 8, साथ में 2 0, 6 4 24, साथ में 2 0, 6 3 18, साथ में 2 0, 8 5 40, साथ में 2 0, देन 2 1 2, साथ में 3 0। ठीक है जी, अब इसका टोटल कर देते हैं, ये तो जी 0 0, दिस इज 8 8 16, 20 हो गया। देन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सो हमारे पास आ गया 1 1 0 0, बताए 11,000। सो नाउ मीन हमारा हो जाएगा समीशन एफ आई यू है, सॉरी समीशन एफ आई एक्स आई क्या है हमारा, 11,000 अपॉन में समीशन एफ आई कितना है, 200। सो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये आ गया 110 अपॉन 2, डिवाइड हो जाएगा 2 5 10, अगेन 10 55, तो इस हमारे डेटा का मीन हो जाएगा 55। क्लियर है, नेक्स्ट चीज पे आते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव मीडियन। अब मीन समझ आ गया, मीडियन, मीडियन वर्ड से समझ आना चाहिए। मीडियन बेसिकली मीन्स मिडल। सो जब हम किसी डेटा के मीडियन की बात करते हैं, वे बेसिकली टॉकिंग अबाउट दी मिडल वैल्यू। ठीक है जी, द मीडियन इज द मिडल वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच डिवाइड्स इनटू एग्जैक्टली टू पार्ट्स। ठीक है जी, सो अब ये निकालते कैसे हैं, वी अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर एंड देन कैलकुलेट इट। ठीक है, सो पहले हमेशा जो भी डेटा दे रखा होगा उसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे अरेंज, एंड देन हम मीडियन निकालते हैं। अब देखो यहाँ दो चीजें हैं, जो आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो या तो ऑड होंगी या इवन होगी। अब देखो अगर ऑड है तो मिडिल वैल्यू निकालना बहुत आसान है, जैसे कि लेट्स सपोज ये है 2 7 9।
ठीक है, 1, 2, 3 ऑड है. अगर मैं आपको कहूँ इन तीनों के मिडिल वैल्यू बता दो, सिंपल 7 है इसकी मिडिल वैल्यू, असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है तो मिडिल वैल्यू इसकी 7 होगी. लेकिन यही अगर डेटा होता 2, 7, 9, 14, अब मिडिल वैल्यू बताना कितना मुश्किल है क्योंकि दो पार्ट्स में कैसे बीच वाली वैल्यू निकालोगे आप जब इवन है. तो यहाँ पे जब तो ऑड होता है तब हमारा फॉर्मूला होता है, ये देखने में लगता है बहुत मुश्किल सा है, अभी क्वेश्चन करेंगे, बहुत सिंपल होता है, एन प्लस वन अपॉन टू एथ टर्म. ठीक है, ये बस ये नहीं है एन प्लस वन अपॉन टू के और आंसर निकल गया, ये टर्म होती है. सिमिलरली इवन के लिए एन अपॉन टू एथ प्लस एन अपॉन टू प्लस वन, ये देखने में आई नो लग रहा होगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं क्वेश्चन करूंगी, बहुत सिंपल है. तो डायरेक्टली क्वेश्चन पे ही आ जाते हैं. सो यहाँ पे देखो, द हाइट्स ऑफ 9 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर एज फॉलोज. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है हमारा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 9 विच इज ऑड. तो ऑड में मिडिल वैल्यू निकालना बहुत आसान है, फॉर्मूले के हिसाब से क्या है 9 + 1/2, यही है ना n + 1/2, करेक्ट. सो ये क्या हो जाएगा 10/2 विच मीन्स 5. अब 5 का मतलब ये नहीं है 5 मीडियन है, दैट मीन्स द फिफ्थ टर्म जो होगी वो होगा मीडियन. अब फिफ्थ टर्म पे कैसे आएंगे, पहले इस डेटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में. सबसे छोटा यहाँ क्या है 144 है, आई थिंक 144 से छोटा कुछ नहीं है. सो पहला नंबर हो गया 144. नेक्स्ट देखो 144 कर देते हैं अंडरलाइन. नेक्स्ट है हमारे पास 145. सो ये हो गया जी 145. इसके बाद वी हैव 147, देन वी हैव 148 एंड देन वी हैव 149 एंड 149 के बाद 150 है, 150 के बाद 152 है. अभी मुझे लाइन की जगह मैं ऐसे लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी. 152 के बाद 155 है एंड लास्ट हमारे पास बचा 160. ठीक है जी, अब ये डेटा को इस तरह से लिखने के बाद इसकी फिफ्थ टर्म, सो 1, 2, 3, 4, 5 विच मीन्स 149. सो द मीडियन ऑफ दिस डेटा इज 149. ओके जी, तो ये सिंपल है जब ऑड होगा. अब यही चीज अगर इवन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे यहाँ पे 6, 7, 10, 12, 14, 4, 8, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितनी है हमारे पास 8 नंबर ऑफ डिजिट्स विच इज एन इवन नंबर. ठीक है जी, पहली चीज तो अरेंज कर लेते हैं. 4 आएगा सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में, 4 के बाद वी हैव 6, देन वी हैव 7, देन हमारे पास है 8, देन 10 है, देन 12 है और 12 दो बार है तो हम भी ऐसे 12 और 12 को दो बार लिखेंगे, देन लास्ट है हमारे पास 30. सो ये हमने अभी क्या किया है, अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है. अब क्योंकि हमारे पास इवन है तो कैसे निकलेगा मीन, देखो 8/2 ये वाली टर्म प्लस 8/2 + 1 ये वाली टर्म और दोनों की एवरेज मतलब अपॉन में 2, यही हमारा फॉर्मूला था. n/2th + n/2 + 1th टर्म का अपॉन में 2 करा है, ठीक है सम के. ठीक है, सो 8/2 मतलब 4 आ गया, तो मतलब फोर्थ टर्म प्लस, अब 8/2 = 4 हो गया प्लस 1 = 5 मतलब फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म अपॉन में 2. अब देखो यहाँ पे फोर्थ टर्म क्या है, 1, 2, 3, 4 8 है हमारी, सो ये हो गया 8 प्लस फिफ्थ टर्म क्या है 10 अपॉन में 2. अब इसको सॉल्व करते हैं, 8 + 10 = 18/2 विच इज इक्वल टू 9. तो इस डेटा का मीडियन है हमारा 9. क्लियर, कोई डाउट? इस तरह से हम निकालते हैं मीडियन. अब लास्ट है हमारा टॉपिक मोड, जो कि सबसे इजी होता है. द मोड इज द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट ऑफन इन अ सेट ऑफ डेटा वैल्यूज. सो मोड हमारा होता है जब आपके पास जो डेटा दे रखा होता है उसमें कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार
रिपीट हो रहा है, या हम सिंपल वेज में कह सकते हैं किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। सो अब अगर आपको यहाँ पे ये जो डेटा गिवन है इसका अगर आपको मॉड निकालना है तो क्या करेंगे, एक तरीका तो इसको असेंडिंग में लगा लो, ज्यादा इजी हो जाएगा, या फिर यहाँ देख लो कौन सा नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। जैसे अगर हम 15 देखें, सो 1 2 टाइम्स ये हो रहा है, 20 हमारा 1 2 3 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और 4 टाइम्स मेरे ख्याल से और कोई नंबर नहीं हो रहा, सो दैट मीन्स सिंपली इसका मॉड हो जाएगा 20, क्योंकि 20 सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। क्लियर है जी? सो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन होता है कंप्लीट, ये सभी टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में हम कवर अप करेंगे। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इंट्रोडक्शन। नाउ अब हम एक्सरसाइजेस पे चलते हैं अपनी, बट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल येट प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। नाउ वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।